जादुई मछली। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलता था। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता लेकिन एक भी मछली ना मिलती। ये सब एक हफ्ते तक चलता रहा। सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं, पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मैं खुद यही सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने हैं। कुछ ही दिनों में लौटाने थे, शायद वो आता ही होगा। कहते हैं कि बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। मछुआरिन, तुम्हारे पति से कुछ काम था? आप कल आ जाना, वह जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे कि किसी से पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए हों। पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था, शायद वही लेने गए हों। ठीक है, मैं कल आता हूं। ये बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। ये सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही थी। वह अपने मां से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती है। नहीं नहीं बेटा, हम दोनों हैं ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई करो अपना मन लगाकर। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती। हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल ले जाकर मछलियां पकड़ा करेंगी। जो मछलियां मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। डर? वो किस चीज से? बाबा भूत से। भूत वूट कुछ नहीं होता, ये सब डरावने किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात में जाऊंगी, कल तू जाना। ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। मिला कुछ? मेघा कहती है, हाँ कुछ मछलियां तो मिली हैं, लेकिन एक दो दिन तक और काम करते हैं, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है। वह जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसके जाल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वह डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। कहीं ये वही जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? हो सकता है, लेकिन अगर वह कोई भूत हुआ तो? मेघा कहती है कि चुप कर, कल देखती हूँ इस भूत को। अगली रात वह जैसे ही जाल डालती है वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वह एक सुनहरे रंग की मछली होती है जिसका पूरा शरीर सोने के सामान चमकदार होता है। मुझे छोड़ दो, नेक दिल लड़की मुझे मालूम है, तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसलिए तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल लगाती हो। तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके पिता आंगन में रखी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को उसको पैसे ब्याज समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली का धन्यवाद करने वह जाती है तो मछली रोते हुए बताती है, ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है।
डायन। हाँ डायन, वह इस गांव की हवा में एक जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता, और ऐसा चलता रहा तो एक दिन यह गांव खाली हो जाएगा और यह डायन इस पूरे गांव को अपने कब्जे में कर लेगी। मेघा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही यह भी काम खत्म कर दूंगी। उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। जिस दिन ये गांव खाली हुआ उस दिन मेरी शक्तियां और भी ताकतवर हो जाएगी। फिक्र मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी। सरपंच के सामने वो भी तुम मुझे ले जाओगी नादान लड़की? ऐसा कहते ही वह डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से एक पत्थर में बदल देती है, और ऐसा करके वह जोर जोर से हंसती है। ये मुआ और मंसूर की दाल आए थी मुझे पकड़ने और खुद ही फंस गई। ये सब बोलते ही अचानक एक तेज रोशनी आती है जो उस डायन को पत्थर में बदल देती है, और मेघा को फिर से इंसान के रूप में आ जाती है। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है वह अपनी बहन सुमन को हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े देखती है। बहन, तुम यहां कैसे? दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूत वूट कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ गई थी। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। मेघा कहती है कि तुम इस छड़ी को संभाल कर रखना, जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर ताकत का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह सदा के लिए आपके पास ही रहती है।